एक सो कॉल्ड ऑप्रेस्ड मुस्लिम महिला, एक सो कॉल्ड अर्बन नक्सल, एक सो कॉल्ड कश्मीर से कश्मीर की टेररिस्ट औरत, जिस तरह से हम लोगों को लेबल किया जाता है, आज गुलबर्गा आई हूँ और मैं मोदी और शाह से ये पूछना चाहती हूँ कि उनको हमारी जैसी औरतें कितनी ऑप्रेस लगती हैं, किस तरह से उनको हमारी जैसी औरतें ऑप्रेस लगती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की एक महिला की एक उंगली से पुलिस ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। ये ताकत है मुसलमान औरतों में, जिन औरतों को उन्होंने नकाब पोश हिजाब पहनने वाली ऑप्रेस्ड औरतें बताया था, आज वही औरतें उन्हें ललकार रही हैं। जब औरतें सड़क पर उतर जाए, समझो कि इनकलाब आ चुका। तो इनकलाब आ चुका है। शाहीनबाग में इनकलाब आया है, खुरेजी में इनकलाब आया है, सीलमपुर जाफराबाद में इनकलाब आया है। ये सिर्फ मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, ऑल ओवर इंडिया में, चाहे हम बिहार देखें, गुजरात देखें, मुंबई देखें, कहीं भी देखें, चाहे फिर हम यहाँ गुलबर्गा में की क्यों ना देख लें, यहाँ पर भी औरतें एहतजाज कर रही हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा गया था ऑलरेडी कि खुद तो डिग्री है नहीं, तो दूसरे की को भी डिग्री नहीं लेने देंगे, ये इन लोगों का मकसद है। पढ़े लिखे लोग जा जा के लोगों को बता देंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, हमें इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए, इसलिए पढ़ाई को ही खत्म कर दो। शेम, शेम, शेम। जहां पर इस भारत में लिटरेसी पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने की बात होनी चाहिए, वहां दिन बर दिन 6 साल में आप देख रहे हैं कि एजुकेशन का बजट गिरा जा रहा है। जिस तरह से इस सरकार की औकात गिरी जा रही है, धीरे धीरे। जब 370 हुआ तब हम लोग चुप रहे, जिस तरह से हमें बोलना चाहिए था हम नहीं बोले, और वो लोग डर की राजनीति करते चले गए। और आज ये हाल है कि इनोसेंट स्टूडेंट्स पे उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन पे गोलियां चलाई गई हैं और उन पे लाठीचार्ज हुआ गया है, उन्हें टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया है। अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्ट ऑफ टेररिज्म वॉज डन बाय दिस गवर्नमेंट। ये लोग हम लोगों को दहशतगर्द बोलते, मैं कहती हूँ इस देश में मोदी और अमित शाह से बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं, टेररिस्ट कोई नहीं, ये गोडसे की औलादे हैं, गोडसे की औलादे हैं ये लोग। नागपुर में ये लोग आज तक भारत का झंडा नहीं लहरा पाए, ये हमें सिखाते हैं कि नेशनलिज्म क्या है, देशभक्ति क्या है। सबका खून मिला है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सबका खून मिला है यहाँ की मिट्टी में। जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था, दियोबंद से लेके दिल्ली तक पेड़ पे लाशें लटकी हुई थी, कौन थे वो लोग, हम पूछते हैं कौन थे वो लोग, वो मुसलमान थे। ये हिस्ट्री ये लोग इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ये हिस्ट्री इरेज नहीं होने देंगे। जब तक इस देश में मुसलमान है, वो अपनी इस हिस्ट्री को, अपनी इस कुर्बानियों को पूरे देश के सामने लाने के लिए जद्दोजहद करता रहेगा। से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट निकलता है, ये लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आप अपने कागज दिखाइए, हम कागज नहीं दिखाएंगे, आप दिखाइए अपने कागज, कहां से पढ़े आप, आप दिखाइए। हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं, आपका इस देश से कोई लेना देना नहीं है, आप बाहर जाइए। हम भारत के लोग आपकी नागरिकता छीनते हैं,
मोदी और अमित शाह की नागरिकता हम लोग छीनते हैं। दे आर टेररिस्ट, आई रिपीट, और मैं 100 बार ये बात कहूंगी, चाहे गोली मारो ये बात कहूंगी, लाठी मार लो ये बात कहूंगी, जेल में बंद कर दो मैं यही बात कहूंगी कि ये लोग टेररिस्ट हैं। दीज पीपल आर टेररिस्ट।